रीवा से कांग्रेस के महापौर के अपमान का मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने बताया कि रीवा के महापौर अजय मिश्रा का भाजपा द्वारा लोकार्पण कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र से नाम काट दिया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में रीवा के विधायक, यहां तक कि सतना के महापौर का भी नाम अंकित है, लेकिन रीवा की जनता ने जिन्हें रीवा का महापौर बनाया उन्हीं का नाम भाजपा शासन प्रशासन ने आज काट दिया। ऐसी ओछी राजनीति भाजपा ही कर सकती है, ये कहना है शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू का। उनका कहना है कि भाजपा के ही शासनकाल में इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं और महापौर का अपमान किया जाता है। यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटना भाजपा कर चुकी है। रीवा से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के नेता और रीवा के जनप्रतिनिधि, रीवा विधायक और प्रशासनिक अधिकारी यह कार्ड सब जगह पहुंचा रहे हैं। इसमें साफ साफ है सतना महापौर का नाम है और रीवा जहां पे कार्यक्रम जिस जिले में होना है उसके प्रथम नागरिक का नाम नहीं है। इससे साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दोहरी राजनीति कर रहे हैं और उनकी दोहरी राजनीति आज की नहीं है, बड़े लंबे समय से रही। अयह रीवा की जनता का और महापौर का अपमान है। अयह प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में, नेताओं ने दबाव दिया, प्रशासनिक अधिकारियों ने यह काम किया, यह उचित नहीं है। यह स्वच्छ राजनीति को प्रेरणा नहीं देता है। स्वच्छ राजनीति यह होती है कि जनता ने जिसे चुना है उसे सर माथे में रख के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, खास तौर से राजेंद्र शुक्ला को स्वीकार करना चाहिए कि रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा हैं। अब वह स्वीकार करें और इसमें गलती की माफ़ी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही मांगनी चाहिए और इस कार्ड के प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर या जो भी लोग हैं उनको, सबको अजय मिश्रा बाबा से और रीवा की जनमानस से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह रीवा की जनता का अपमान है।